हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल NTA नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे NTA नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको NTA नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में यहां डिस्कस करती हूं। सो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी तरीके से, तो आप इसको वीडियो को फुल वॉच करिएगा लास्ट तक, इसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। सो हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं PhD एडमिशन से रिलेटेड। सो ये जो यूनिवर्सिटी है इसने PhD प्रोग्राम एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए हैं। ये यूनिवर्सिटी है आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जिसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप इसको जाकर फिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है डायरेक्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर फिल कर सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि कैट आपको टेस्ट देना होगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर, इन सभी की फाइनल सबमिशन, इन सभी से रिलेटेड डिटेल दी गई है। सो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आप उसे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से एडमिशन नोटिस के बारे में देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है नोटिफिकेशन में, इसमें आप जो यूनिवर्सिटी है ऑफ़र कर रही है PhD प्रोग्राम, जिसमें कि दो कैटेगरीज दी गई हैं लाइक फुल टाइम मोड एंड पार्ट टाइम मोड। तो आप दोनों जिसमें भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम से भी और पार्ट टाइम मोड से भी। सो ये जो यहाँ पर दिया गया है कि जो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट यानी कि कैट एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो कैंडिडेट किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रोजेक्ट पर वर्किंग है तो उनके लिए यहाँ पर जैसे कि ये डिटेल्स में दिया गया है, आप गो थ्रू कर लीजिएगा जो भी वर्किंग में हूँ ऑलरेडी एंड पार्ट टाइम में करना चाहें। सो जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैट एग्ज़ाम के लिए PG कम्प्लीटेड होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, इन सभी डिफरेंट कैटेगरीज वालों के लिए 50% तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो PhD एफिलेटेड कॉलेज है रेगुलर मोड के लिए अलग दिए गए हैं, सेल्फ फाइनेंस मोड के लिए अलग और रेगुलर मोड के लिए यहाँ पर अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो अगर आप रेगुलर मोड से करना चाहते हैं तो इसमें आप इस कॉलेज में आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, ये सभी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। साथ ही सेल्फ फाइनेंस मोड में भी आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। एंड ये जो अफिलेटेड रेगुलर मोड में है लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, लॉ एंड कॉमर्स, सो ये 20 सब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप इनमें फिल कर सकते हैं। एंड ये सभी सब्जेक्ट्स आप ये जो PDF दिया गया है इस PDF को गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये PDF आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप को और कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो यहाँ हम डेट की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो फॉर्म जारी किए गए हैं वो 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी से जारी किए गए हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीट करने की वो 25 मार्च रहेगी, यानी कि आप 25 मार्च तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा इसका वो 20 अप्रैल में रहेगा और रिज़ल्ट आपका मई अकॉर्डिंग आपका डिक्लेयर हो जाएगा। सो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, आप इस तरीके की और डेट के लिए, सो ये सभी जो इम्पॉर्टेंट डेट हैं आप इनको माइंड में रखिएगा, बिकॉज इसके अगर आप बाहर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे
तो वो मान्य नहीं होगा। सो इसी तरह की मोर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।